Hello my dear kids, welcome back. I am Vandana and we are learning mathematics by brain root series. Here is a book children and the name of a book is Mathematics World Wins and this is book primer. So today we will learn a new chapter which is chapter number 12 and the name of the chapter is division. So children, in the previous chapter we have learned what is multiplication. Multiplication was repeated addition. Addition ko baar baar karna, ek hi number ko baar baar plus karne ko hi hum multiplication kehte hain. Ab hum padhenge yahan pe division kya hota hai. Kisi number ko baar baar subtract karna. This is division. Ek particular number ko baar baar subtract karne ko hum division kehte hain. So here you can see number is given number 54 जिसे हमें 6 बच्चों में divide करना है. तो 54 toffees दी हैं आपकी teacher ने, आपने मैम ने बोला है कि 6 बच्चों को ये सारी toffees दे दो, लेकिन सबको equal देना है. तो division क्या है, चीजों को equally divide करता है, बांटता है. So आपने क्या देखा कि 6 यहाँ पे हमने लिख दिया ऐसा एक एरो बना के, तो 6 क्या है, डिवाइजर कहलाता है. ठीक है, जितने में वो एक पर्टिकुलर चीज़ को डिवाइड करना है उस 6 को हमने डिवाइजर कहा. 54 क्या है, हमारा डिविडेंट है. जो भी आंसर आएगा इन्हें डिवाइड करके वो कहलाएगा हमारा क्वेश्चेंट. सो लेट्स अरेंज द नंबर्स हियर. नाउ अब हमने जब 6 से 54 को डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 9 मिला आंसर. इसका मतलब एक बच्चे को कितनी टॉफी देनी है, 9 टॉफीज देनी है. तो 6 की टेबल हमने पढ़ा और तब तक पढ़ा जब तक 54 आंसर नहीं आ गया. तो मैंने जब 6 की टेबल पढ़ी तो मैंने देखा कि 6 नाइन्स आर 54. क्या आंसर आ रहा है, 6 नाइन्स आर 54. तो 54 आंसर आया, तो 9 हमारा क्या हो गया, क्वेश्चेंट हो गया, 0 हमारा हो गया रिमाइंडर, एंड ये हो गया हमारा डिवाइजर और ये हो गया डिविडेंड. क्लियर चिल्ड्रन. सो नाउ वी रिकॉल द टेबल ऑफ 6, 9 6 आर 54. री राइट 6 एज क्वेश्चंस प्लेस, एट क्वेश्चंस प्लेस, 54 बिलो द डिविडेंड एंड देन वी सब्ट्रैक्ट. तो आंसर है हमारा 9. तो ऐसे हमें क्या करना है, यहाँ जो नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें सब डिवाइड करना है. तो यहाँ पे एक नंबर है 4 से 32 को डिवाइड करना था, तो हमने क्या किया, 4 की टेबल तब तक पढ़नी जब तक आंसर 32 नहीं आता. तो मैंने जब 4 की टेबल पढ़ी तो मुझे पता चला कि 4 8 का कितना होता है 32. तो हमने 4 यहाँ लिखा, 8 ऊपर लिखा एंड देन दोनों 32 को यहाँ लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा, 8. नेक्स्ट अनदर नंबर है 7 से हमें 56 को डिवाइड करना है. सो हमने 7 की टेबल पढ़ी, तो जब हमने 7 की टेबल पढ़ी तो हमें पता चला 7 8 आर 56 होता है. सो हमने यहाँ पे 8 लिखा, नेक्स्ट 56 लिखा, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 6 में से 6 कटा 0, 5 में से 5 कटा 0. तो क्वेश्चन क्या है, 8. क्लियर चिल्ड्रन. नेक्स्ट है 6 से हमें 30 को डिवाइड करना है. आप 6 की टेबल पढ़ो 30 आंसर आना चाहिए. तो जब मैंने 6 की टेबल पढ़ी तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 6 5 आर 30. तो 5 यहाँ लिख देंगे, 30 नीचे, दोनों 30 को सब्ट्रैक्ट करके आंसर विल बी 0 यहाँ पे रिमाइंडर एंड द फाइनल आंसर इज 5. नेक्स्ट 5 को हमें क्या करना है, 20 को हमें 5 से डिवाइड करना है. सो 5 की टेबल पढ़ेंगे, सो हमने पढ़ा 5 4 आर 20, तो 4 इज द आंसर हियर. लेट्स सब्ट्रैक्ट एंड राइट हियर 4. अगेन 3 की टेबल पढ़नी है कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, तो आंसर आ जाएगा 21. सो 3 7 आर 21, सब्ट्रैक्ट किया 0 एंड 7 इज द आंसर. सो आई होप चिल्ड्रन दिस इज क्लियर टू यू. ऐसे ही आपको डिवाइड करना है दिए गए नंबरों को,
दिस एक्सरसाइज इज टू बी डन बाय योरसेल्फ, खुद से करेंगे आप. नेक्स्ट इज वर्टिकल डिविजन विथ रिमाइंडर. तो अभी तक हम जो है जब सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो हमें जीरो रिमाइंडर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे अब हमें रिमाइंडर मिलने वाला है. तो कैसे करते हैं इसे, लेट्स सी. द रिमाइंडर इज द नंबर विच इज लेफ्ट आफ्टर डिविजन. तो कई बार क्या होता है, मैम ने आपको जो है 20 ट्रॉफी दी और उससे कहा 6 चिल्ड्रन में डिवाइड कर दो. तो आपने क्या किया, 20 ट्रॉफीज को 6 चिल्ड्रन में डिवाइड किया. तो एक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ट्रॉफी आपने सब बच्चों को दे दी. आपने क्या किया, 3 ट्रॉफीज दे दी. तो 6 3s are 18. तो आपने 18 ट्रॉफी तो बांट दी. अब जो है 2 ट्रॉफी बच गई हैं. तो जो बची हुई ट्रॉफी है उन्हें ही हम रिमाइंडर कहते हैं. सो द रिमाइंडर इज द नंबर विच इज लेफ्ट आफ्टर डिविजन, वो नंबर जो बाद में बच जाता है. रिमाइंडर इज ऑलवेज लेसर देन द डिवाइजर, जो डिवाइजर है उससे हमेशा कम होता है. ये वन इज अ लेफ्ट इज लेफ्ट आफ्टर डिविजन. जब हमने 37 को 6 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि 36 आ रहा है, तो हमने 36 लिख दिया, 1 यहाँ पे रिमाइंडर है. तो ये जो है हमेशा जो है डिवाइजर से कम होगा, thus 1 इज द रिमाइंडर. नाउ लेट्स डिवाइड द फॉलोइंग एज शोन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी डिवाइड करके देखते हैं कैसे डिवाइड करना है. तो 26 है, अब इसे जो है 5 से डिवाइड करना है. तो जब मैंने 5 की टेबल पढ़ी तो मैंने देखा कि 5 5s are 25 आ रहा है. तो मैंने यहाँ पे 5 5s are 25, इस नंबर के पास वाले नंबर को ही देखना है. इससे एक नंबर कम होना चाहिए पर ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए. तो हमने देखा कि 5 5s are 25 आ रहा है, तो हमने यहाँ लिख दिया. अब 26 में से 5 को कट किया, वी गेट 1. तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 5 और रिमाइंडर हो गया 1. चलिए नेक्स्ट करके देखते हैं. 4 की टेबल पढ़नी है, 14 आना चाहिए. तो क्या 14 आता है 4 की टेबल में, लेट्स रीड. 4 3s are 12 एंड 4 4s are 16. तो क्या 14 आया 4 की टेबल में? नो, ना तो 3 टाइम्स है ना ही 4 टाइम्स है. तो हमें क्या करना है, 16 को हम यहाँ नहीं लिख सकते, बड़ा नंबर नहीं लिख सकते. तो जो छोटा नंबर है 12 वो लिखेंगे. कितने टाइम्स आया था, 3 टाइम्स 12. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 4 में से 2 को कट किया, वी गेट 2. 1 में से 1 कट किया, वी गेट 0. तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये है आपका रिमाइंडर, ये है आपका क्वेश्चन. तो क्वेश्चन है 3 एंड रिमाइंडर इज 2. क्लियर चिल्ड्रन? नेक्स्ट इज 5 से 18 को डिवाइड करना है. तो 5 की टेबल पढ़ेंगे, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20. तो जब मैंने 5 की टेबल पढ़ी तो मुझे पता चला कि 18 तो 5 की टेबल में आता ही नहीं है. तो 18 से छोटा नंबर कौन सा है, क्या 20 है या 15? सो 15 इज़ स्मॉलर. कितने टाइम्स, 3 टाइम. तो हमने लिखा 5 3s are 15. दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो जब हमने 8 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट 3. सो द क्वेश्चन इज 3 एंड द रिमाइंडर इज ऑल्सो 3. आई होप दिस इज क्लियर चिल्ड्रन. नेक्स्ट 6 से 27 को हम डिवाइड करेंगे. तो 6 की टेबल पढ़ते हैं, 6 4s are 24 6 5s are 30. तो जब हमने पढ़ा 6 की टेबल तो हमने देखा 5s are तो बड़ा नंबर आ रहा है. तो 4 टाइम हम लिखते हैं 24. तो अब हम 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वी विल गेट 3 and here we will get 0. So 4 is the quotient and 3 is the remainder. I hope this children this is clear to you. So aise hi hame kya karna hai, division ko karna hai, check karna hai kaun sa number hum yahan pe likh sakte hain, and do these questions yourself. Next is long division of 2 digit number. Kaise hum 2 digit number ko divide kar sakte hain long division method se. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फर्स्ट एग्जांपल आपके लिए दिया गया है. जैसे 95, 2 की टेबल पढ़नी है, लेकिन सबसे पहले क्या देखना है, 9 को देखना है.
95 एक साथ हम नहीं लेंगे, क्योंकि 95 एक बहुत बड़ा नंबर है 2 के लिए। तो हम देखेंगे पहले फर्स्ट डिजिट 9 को, तो क्या 2 की टेबल में 9 आता है? नो। तो हमने क्या देखा कि 2 4 8 आता है, तो 8 लिख दिया। अब 9 - 8 किया तो वी गेट 1 हियर। अब इस 5 को हमने यहाँ पे लिख दिया, सो ये बन गया 15। अब 15 को हमें चेक करना है 2 की टेबल में, क्या 2 की टेबल में 15 आता है? नो। क्या आता है? 2 7s are 14। तो अब हमने 15 और 14 को सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट 1। 1 जो है 2 से छोटा नंबर है। अब हम आगे कंटिन्यू डिवीजन नहीं करेंगे। तो अब हमने क्या किया, 47 हमारा क्वेश्चन यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर जो बचा 1 वो यहाँ पे लिख दिया। सो लेट्स डू दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 की टेबल में हमें क्या देखना है? 95। तो सबसे पहले 9 को देखते हैं। 9 जो है 8 से एक बिगर नंबर है। अगर छोटा नंबर है तो हम दोनों नंबर्स को लेंगे, लेकिन 9 तो 8 से बड़ा है। तो हम देखते हैं क्या 8 की टेबल में 9 आता है? नो। तो हम क्या करेंगे, 1s are 8 आता है। तो अब हमने इसे कर दिया सब्ट्रैक्ट, सो 9 - 8 is 1। अब यहाँ से ये 5 नीचे उतरेगा, किस लिए? इस 1 की हेल्प करने के लिए, क्योंकि 1 तो 8 से छोटा है। अब 8 की टेबल में देखेंगे क्या 15 आता है? नो। क्या आता है? 8 1s are 8, 8 2s are 16।